जर्नी स्टार्टेड। ओ वाओ, बैट के जैसा कलर। चलो ये कौन सी एक्सरसाइज है आर्मी? भाई मुझे मत मारना। काजल की तरफ मार। Hey guys, मैं राखी चंचल, मेरे चैनल जर्नी स्टार्टेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अभी आप लोगों ने देख लिया, आरवी ने क्रिकेट खेला है और खेलता ही है, मस्ती भी करता है पूरी, रो भी लिया, वो पता नहीं उन्हें क्या क्या नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा। और हम लोग ऐसे ही खिलाते हैं आरवी को, जो मेरा डेली व्लॉग देखते हैं उन लोगों को पता है कि किस तरह से खिलाते हैं। कोई ताली बजा रहा है, आरवी खुद से बोलता है ताली बजाओ अम्मा, ताली बजाओ दादू, ताली बजाओ, और तब वो खेलता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल और अलग दिखाने वाली हूँ। तो वो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हाँ भाई मैं किस तरह से व्लॉगिंग करती हूँ, तो वो मैं बताऊँ। ठीक है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है और कैमरे से भी मैं व्लॉगिंग नहीं करती, और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एंड एक अच्छी सी कमेंट तो बनती है। तो आज मैं एक और नई चीज़ दिखा दूँ कि भैया आज मैंने पहना है नया सूट, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। सो गाइस, ये मैंने सूट अभी जल्दी में स्टिच कराया है, और इसका मैं नेक दिखा दूँ, ये बोट नेक बनवाया हुआ है मैंने, और ये जो इसकी बाजू है कुछ डिफरेंट है। मैंने एक दिन लाइव आई थी तब मैंने ये बाजू, इस तरीके की बाजू वाला कुर्ता पहन रखा था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि कैसी बाजू है, वो हमें भी दिखाओ, अच्छी लग रही थी। तो वही सेम मैंने इस वाले कुर्ते में भी बनवाई है। तो ये कुछ ऐसी है कि यहाँ पे कटिंग दी हुई है तीन जगह, और ये बटन लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो अपने कपड़ों के साथ, और मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करती रहती हूँ जब भी मैं अपने लिए कपड़े सिलवाती हूँ। और अभी मैंने जल्दी में ही स्टिच कराने के लिए कुछ और भी सूट डाले हैं, तो वो आ जाएंगे रेडी होके, तब मैं और दिखाऊंगी। पर अभी कमेंट कर देना आप कैसा लग रहा है मेरा सूट, मुझे तो काफ़ी ठीक लगा, इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो मतलब इस तरीके के सूट आप घर में भी पहन सकते हो, कहीं मार्केट जा रहे हो तो भी पहन सकते हो। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से करती हूँ अपनी व्लॉगिंग, तो आ जाइए।
तो मैं यहाँ हमारा नीचे जो हमने स्टूडियो बना रखा है वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। मुझे नहीं पता कैसा होगा अंदर, मैं ही पड़ा होगा या जैसा भी है, पर मैं तुम्हें दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने पहले आके ये साफ नहीं किया। तो भैया कुछ ये ऐसा पड़ा है, लाइट जला दूँ। तो एक और लाइट है, ये भी जला दूँ। तो ये दो लाइट है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारा ट्राईपोर्ट जो हमने बनवा रखा है। ये पंखा कैसे बंद होगा, अभी मैं दिखाती हूँ अपना ट्राईपोर्ट। तो ये है देसी जुगाड़ हमने जो कर रखा है, ये ले रखा है पंखा। इसमें पता है वरुण ने कितनी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। ये दे रखा है जो हम वो पर्दे नहीं टांगते जिनमें वो रोल रोल सा जो रहता है स्टील का, वो है उसके ऊपर ये बल्ब लगा रखा है ताकि फेस के ऊपर रोशनी आए अच्छे से। और ये इसका तार यहाँ लगता है इस वाले स्विच पे। इसके बाद ट्राईपोर्ट तो है नहीं, ये हमारी काफ़ी पहले सेल्फी स्टिक पड़ी हुई थी, तो इसमें फिर हम फोन को ऐसे करके टक करके एंड उसके बाद यहाँ बैठ के वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। तो मैं टक करके बता दूँ कैसे करते हैं। तो ये मैंने अभी कर दिया है टक, और इसको हम रखते हैं यहाँ पे। और ये है भाई हमारी कुर्सी, हम यहाँ जो भी कहना होता है कह देते हैं, ठीक है। जब हम लाइव आए थे तब भी हम यही इसी रूम में बैठे थे। एक्चुअली यहाँ पे कोई रहता नहीं ना इस कमरे में, तो इसलिए साफ सफाई भी बहुत ही कम हो पाती है। यहाँ पे आरवी की, सॉरी हनी की ये साइकिल है, और ये एक दिवाली लाइट का भी हम यूज कर लेते हैं, ये सब फेस पे लाइट आने के लिए। और ये जो सारी चीजें ना, शायद स्टार्टिंग के व्लॉग में जब मैंने व्लॉग करना स्टार्ट किया था तब बनाई गई थी, और ये सारी हाथ से बनाई हुई है। इसमें बस 10 रुपये खर्च हुए थे, बस ओनली ऑन 10 रुपये। आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे क्या हो रहा था भाई साहब, घर से बाहर जाना बिल्कुल बंद। और यूट्यूब अपना उसी टाइम पे स्टार्ट किया था जब लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। तो ये अरुण ने बहुत मेहनत की है इसमें, साथ के साथ वरुण ने भी बहुत मेहनत की है, दोनों ने ये सारे काम उन्हीं दोनों के, जो टेक्निकल माइंड होता है ना वो दोनों ही लगाते हैं। मैंने इसे कुछ नहीं किया है, बात खत्म। क्यों मैं अपनी बड़ाई मारूं, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सारे उन्होंने प्रिंट निकलवाए थे बुआ जी के घर से, जिसमें कि हमारे उसमें भी पैसे खर्च नहीं हुए, और ये प्रिंट निकलवाए। इसके पीछे ये तख्ता है, वो मोटा वाला जो आपने देखा होगा पार्सल जैसे आता है ब्राउन कलर का, जो मोटा सा कागज होता है उसके ऊपर चिपके हुए हैं। 10 रुपये किसमें खर्च हुए मैं बता दूं, डबल टेप होती है ना उससे ये चिपकाए गए हैं पीछे की तरफ, उसमें 10 रुपये खर्च हुए। एंड ये भी हाथों से बनाया था वरुण ने, अपने हाथों से बनाया था ये। इसमें पहले छोटी सी एक ट्रेन रखी थी आरवी की, तो वो काफी अच्छा लगता था, अभी तो बेचारे पे धूल मिट्टी जम गई है। तो और ये वाला जुगाड़ भी पता है ये क्या है, ये एक हमारे फ्लावर्स थे इसके अंदर, तो वो खराब हो गई, ठीक है। अब वो खराब हो गई तो भैया रीयूज करने का हमें तो बड़ा शौक है, घर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो उसके ऊपर ये जो लाइट है छोटी वाली वो लगा दी है, और ये जलती हुई बहुत अच्छी लगती है। मैं अभी आपको जला के दिखा देती हूँ। चल गई, तो ये वाली लाइट देखो जलती हुई बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। अब मैं इसको पकड़ के खड़ी हूँ, इसे बंद कर देती हूँ, मेरे को लाइट वाले कामों से बहुत डर लगता है। तो भाई यही सब था जो हमने दिमाग लगा के, पैसे हम खर्च कर नहीं सकते और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि कर नहीं सकते इसलिए चाहते भी नहीं कि हम पैसे खर्च करें। तो अभी बस यही जुगाड़ू काम चल रहा है हमारा, एंड अरुण और वरुण बाकी सब घर वाले बहुत हेल्प करते हैं, आप लोगों ने देखा ही है। अभी भी कैमरामैन अरुण है, इस कैमरे के पीछे जो फेस है वो अरुण का है। तो भैया मुस्कुरा रहे हैं हौले हौले, पर कोई नहीं। पर मैंने अभी ना मौज पे आईडी बना लिया, अगर आप मौज पे हो तो मुझे फॉलो जरूर कर लेना। हाँ मैं एकदम कंटाप देसी वाली लैंग्वेज में आ रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ वहां पर। हाँ बहुत ज्यादा देसी जिसे कहते हैं यूपी वाली लैंग्वेज,
उसमें मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और हमारा ये स्टूडियो भी पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैसी तो पड़ा है, इग्नोर करना, पर जो मेहनत है वो आप लोग ज़रूर देखना और हो सके तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी इस वीडियो को एंड लाइक करना तो बिल्कुल भूलना ही मत। और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, मेरे को पता है भाई, ऐसी थोड़ी ना सब्सक्राइब तो करके ही जाओगे। तो चलो बस मेरा ये ब्लॉग यहीं एंड होता है, मैं कुछ नया लेके आती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।